आज गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के खिलाफ मैंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। कल उन्होंने सभागृह में अन्वय नाइक इनकी आत्महत्या का प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री ने दबाया, इस प्रकार की झूठी, विसंगत और सुप्रीम कोर्ट का अवमान करने वाली बात कही थी। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पैराग्राफ पढ़ के दिखाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कोर्ट ने बार बार जो टेस्ट रखी है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, आत्महत्या को प्रवृत्त करने के लिए, उस टेस्ट में ये केस पास नहीं होती और इसलिए प्राइमा फेसी 306 के तहत ये केस नहीं बनती। इतना स्पष्ट निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। बावजूद इसके उन्होंने ये बात कही और मैंने उनके ध्यान में लाकर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बावजूद उन्होंने ये बात कहना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है और ये मेरे भी विशेष अधिकार का हनन है। मेरे ऊपर दबाव लाने की कोशिश उन्होंने की है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ये जो कौल शेखदर की किताब है जिसको हम हमारे असेंबली की गीता मानते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बात को गलत ढंग से बताना या किसी भी बात को झूठे ढंग से बताना ये विशेष अधिकार का हनन होता है और इसलिए उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव मैंने दाखिल किया है।